हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल बुक और एक ही बहुत ही फेमस राइटर की ये बुक है और उस राइटर का नाम है रॉबिन शर्मा और जो पुस्तक का नाम है वो है कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि ये जो रॉबिन शर्मा हैं इनकी दिमांग हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक हैं और ये कनाडा के लेखक हैं, यानी कनाडियन लेखक हैं और ये बहुत ही फेमस हैं खासकर मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स के लिए। इनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो दुनिया में फेमस हुई हैं, 10 से 15 बुक्स ऐसी हैं जिनकी लिस्ट हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उनका जो बुक्स का जो लिंक है वो भी आप डाल देंगे, वहाँ से आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि एक उनकी जो बुक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दिमाग हु सोल्ड हिज फरारी, ये बहुत ही अच्छी बुक है और उसी से ये जो लिखा है कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, ये एक बुक है जो कि 15 मिलियन बुक्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड, यानी कि 15 मिलियन ये जो बुक्स हैं पूरी दुनिया में अभी तक बिक चुकी हैं। दुनिया भर में नंबर वन वेस्ट सेलर द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक, यानी कि इनकी जो बुक है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ये बहुत ही फेमस बुक है और उसी बुक के वजह से रॉबिन जो शर्मा हैं ये दुनिया में फेमस हुए हैं और ये सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल जो राइटर हैं के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया है, लेकिन आप में एक कन्फ्यूजन होगा कि रॉबिन शर्मा ये एक हिंदुस्तानी नाम लग रहा है तो ये कैसा, तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो रॉबिन शर्मा है वो कनाडियन राइटर हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, इसलिए उनका नाम रॉबिन शर्मा है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बुक की खासियत क्या है कि और आपको आगे इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वो हम अंदर आपको दिखाएंगे, यानी कि इसका जो पूरा रिव्यू है वो आपको बताने वाले हैं ताकि आप इस पुस्तक को खरीदने से पहले इसमें आवश्यक कंटेंट क्या है, आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ में इसका प्राइस वगैरह क्या है, MRP वगैरह क्या है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि ये जो बुक है, खासकर इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो फेमस था, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, लेकिन इसको हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है नाउ इन हिंदी, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए रॉबिन शर्मा कौन रहेगा आपकी मृत्यु पर, और यहाँ पर ये जो जैको बुक, यानी कि जो प्रकाशन है वो जैको बुक है, और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ पीछे कंटेंट लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ पा रहे होंगे। तुम जब पैदा हुए तो तुम रोए जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया, अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए जबकि तुम जश्न मनाओ। प्राचीन संस्कृत वक्तव्य, क्या ऊपर दिए हुए ज्ञान के रत्न आपके हृदय के तारों को झंकृत करते हैं? क्या आपको महसूस होता है कि जीवन आपके हाथों से इतनी जल्दी फिसल जा रहा है कि आप अपने हिस्से के उद्देश्य प्रसन्नता और खुशी का आनंद उठाने का मौका शायद न पा पाए? यदि हाँ तो यह विशिष्ट पुस्तक जो नेतृत्व गुरु रॉबिन शर्मा ने लिखी है, वे लेखक जिनके दिमाग हु सोल्ड हिज फरारी की श्रृंखला ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया, वही अलौकिक प्रकाश जो आपको जीवन के एक नवीन और उज्ज्वल रास्ते की ओर ले जाएगा। यह पढ़ने में सरल परंतु ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तक है जिसमें रॉबिन शर्मा 101 सरल उपायों को जीवन की सबसे जटिल कठिनाइयों से लेकर तनाव को अपने वश में करके अपने आपको एक शक्तिपूर्ण तरीके से जीवन की यात्रा का आनंद लेते हुए अपनी धरोहर का निर्माण करने उपयोग करते हैं। यहाँ पर रॉबिन शर्मा के बारे में कुछ जानकारी है और इसको आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको पढ़ के ही इसको दिखाई दे रहा हूँ। रॉबिन शर्मा दुनिया भर में बेस्ट सेलर रह चुकी किताब दिमाग हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक वैश्विक रूप से एक जाने माने मानवतावादी के रूप में जाने जाते हैं। वे विश्व के उच्च शीर्षस्थ नेतृत्व तथा निजी परिस्थितियों के इष्टतम उपयोग सिखाने वाले सलाहकारों में से हैं। उनके ग्राहकों में प्रसिद्ध धनी मानी पेशेवर खेल सुपरस्टार और अनेक फॉर्चून 100 कंपनियां शामिल हैं। लेखक की नंबर वन बेस्ट सेलिंग रह चुकी किताबें दिमाग हु सोल्ड हिज फरारी, द ग्रेटनेस गाइड और द लीडर हु हैड नो टाइटल से अधिक भाषाओं बार यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है 92 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हुई है। ये फ्रेंड्स अलग तरह का हिंदी में लिखा है तो माफ करिएगा।
जो उन्हें वर्तमान में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले जीवित लेखों में पहले स्थान पर ले आते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि इनके जो बुक्स हैं वो खासकर दो यहाँ पर बुक्स की चर्चा करी गई है, एक है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी और द एक ग्रेटनेस गाइड और द लीडर हु हैड नो टाइटल। इसकी जो बताया जा रहा है कि अनेकों भाषाओं में इसको प्रकाशित किया गया है ये जो बुक्स है। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि इसका जो MRP रेट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर 185 रुपए है, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उनके माध्यम से अगर आप खरीदते हैं तो आपको इसमें 30-40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और लगभग 100-150 के बीच में आपको आसानी से उपलब्ध होने वाली है। तो आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं कि वर्तमान में क्या हो सकता है, 100 से आपको कम में भी उपलब्ध हो जाए, ये टाइम टू टाइम आपको डिस्काउंट अलग रहेगा, लेकिन 30-40% का हमेशा आपको डिस्काउंट उपलब्ध होगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो एक तो एक बुक है रोबिन शर्मा की और नीचे जो रोबिन शर्मा के जो फेमस बुक्स हैं खासकर रोबिन शर्मा की वो हमने उपलब्ध करा दिए हैं, और भी नीचे आपको राइटर मिल जाएंगे अलग अलग जो विश्व प्रसिद्ध बुक्स हैं दूसरे लेखकों की, उनकी भी लिस्ट हमने नीचे दे दी है और वहाँ पर उनके लिंक भी डाल दिए हैं, यानी उनको आसानी से आप अमेजोन में चेक कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम सीधे अंदर की। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि प्रशंसा के कुछ शब्द द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के लिए, यानी कि द मंक हु सोल्ड हिज फरारी जो पुस्तक है उस पुस्तक की किन किन लोगों ने प्रशंसा की है, यहाँ पर उनके कुछ वक्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो काफ़ी सारे वक्तव्य हैं जिन्होंने बताया है कि रोबिन शर्मा एक नए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उभरे हैं, बहुत से लोगों ने प्रशंसाएं करी हैं, जो विश्व प्रसिद्ध जो लेखक हैं उन्होंने भी रोबिन शर्मा की प्रशंसा करी है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि फर्स्ट ये जो जानकारी है उसमें पूरी दी है। प्रशंसा के कुछ शब्द, लीडरशिप विजडम फ्रॉम द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, यानी कि लीडरशिप विजडम फ्रॉम द मंक हु सोल्ड हिज फरारी एक पुस्तक है, दूसरी उसकी यहाँ पर चर्चा करी गई है, और कौन रहेगा आपकी मृत्यु पर, यहाँ से आपकी जो बुक है वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होती है। आगे हम बात करते हैं इनके जो चैप्टर्स हैं, तो इनके आप चैप्टर्स देख लीजिए, यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो टोटल इस पुस्तक में जिक्र किया गया है, यहाँ पर जो रोबिन शर्मा है वो बताते हैं कि आप जीवन में कैसे, जो जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे कैसे आसानी से उबर सकते हैं और आप अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हैं, यानी कि जो आपकी समस्याएं हैं उनसे कैसे आप आसानी से निकल सकते हैं और एक प्रतिभाशाली और सफल इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा और अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया है, और मैं फ्रेंड्स बता दूँ इस पुस्तक को पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का है, एकदम अच्छे, मतलब उसको ऐसे बोलें कि बहुत सारगर्भित शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है। अगली बात फ्रेंड्स ये होती है जब आप इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं मोटिवेशनल, कि जब उनका जो लेसन होता है ज़्यादा बड़ा होता है तो थोड़ा उबाऊपन सा महसूस होने लगता है, लेकिन मैं फ्रेंड्स बता दूं एक तो ये इतने अच्छे राइटर हैं, उनकी जो लैंग्वेज है इतनी ज़बरदस्त है कि इनका चाहे जितना बड़ा लेसन हो आप उसको पढ़ेंगे तो उसी में जब्त होकर रह जाएंगे, आपको बुक को अपने से अलग करने का मन ही नहीं करेगा। छोटे क्या बोलें कि इनके जो लेसन है बहुत ही छोटे, यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख लीजिए कि जैसे अध्याय 2 है, यहाँ पर देखिए केवल इतना है यहाँ तक, और अध्याय 3 में आप यहाँ पर देखें तो ये आपके यहाँ से शुरू होके इतना, यानी कि इतने में ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। तो ये जो इतना छोटा सा इनका लेसन है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है तो वो बहुत ही शॉर्ट शब्दों में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यानी कि आप जैसे ही इसमें अंदर घुसेंगे और वैसे ही आपका जो लेसन है वो सब फिनिश हो जाना है, तो इसको बहुत आसानी से आप पढ़ पाएंगे और ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह की बुक्स को आप हमेशा अपने साथ में रखिए, कहीं पर आप सफ़र में जाते हैं या कहीं पर फ्री में बैठे हैं, ऑफिस में भी हैं तो भी वहाँ पर आप अपने बगल में रख सकते हैं, जब भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है तो वहाँ पर आप एक के लेसन या दो लेसन भी पढ़ सकते हैं 10 मिनट में, ये इतना इतनी अच्छी बुक है। और जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो एक अलग तरह का जो विचार है उसमें आपको काफ़ी सारगर्भित जानकारी मिल जाएगी। तो टोटल यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी लेसन हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और उनको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पर 31 लेसन आप देख लें कि ये केवल 2 पेज का है और 2 पेज से भी छोटा है, और जो 32 लेसन है वो यहाँ पर देख लें वो भी ऐसे ही है, यानी कि जितने भी इनके लेसन रहेंगे वो सब के सब ऐसे ही हैं। तो चलिए कुछ जो लेसन है उनके हम नाम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें कि यहाँ पर देखिए पहला है अपना लक्ष्य खोजिए, प्रतिदिन एक अजनबी पर उपकार कीजिए, अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए, दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए, दैनिक पत्रिका बनाएं, ईमानदारी के मंत्र का विकास करिए, अपने अतीत का आदर करिए, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करिए, शिष्टता के साथ न बोलना सीखिए,
साप्ताहिक विश्राम लीजिए, खुद से वार्तालाप करिए, चिंता करने का समय निर्धारित करिए, बच्चों को आदर्श बनाइए, याद रखिए प्रतिभा 99% प्रेरणा होती है, मंदिर की हिफाजत करिए, शांत रहना सीखिए, अपने आदर्श पड़ोस के बारे में सोचिए, सुबह जल्दी उठें। तो यहाँ पर देखिए कि जीवन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे सुबह जल्दी उठें, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपकी जो दिनचर्या है उस पर भी वो बात करने वाले हैं कि आपको जल्दी क्यों उठना चाहिए। इसको आप पढ़ेंगे 18 जो लेसन है, तो उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। तो 101 के यहाँ पर लेसन हैं और उनको पढ़ पाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मेरा मानना है कि आप अगर इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं या देख रहे हैं, आपने इस बुक के बारे में सुना होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की बुक है और बहुत ही हल्की बुक है और इसका साइज भी बहुत छोटा है। इसको आप अपने बैग में या कहीं भी आप जाते हैं तो इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही पढ़ने में मज़ा आने वाला है। मेरा मानना है कि ये जो बुक है आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आपको राइटर की कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, दी मंक हू सोल्ड हिज फरारी, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है और इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं इसका प्राइस और चाहे तो अमेजोन से खरीद भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।